देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी। देखिए ये हमारे सामने फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये हमारा आ चुका है एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक। तो टू आ रहा है जो कि क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। तो x इज इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू जीरो हमारा हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। x f डबल डैश x ग्रेटर देन जीरो फॉर x इज इक्वल टू जीरो, हेंस x इज इक्वल टू जीरो इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोकल मिनिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम पॉइंट हम निकालेंगे। तो देखिए लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे अब देखिए, तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए g डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। अब g डैश एक्स इज इक्वल टू होगा जीरो फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो यहां से दो केस बनेंगे, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो हम जी डैश एक्स को हम चेक करेंगे, तो जी डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, सिक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जी डैश एक्स की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं, ठीक है, वन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। सो यहां से हम कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। अब जी डबल डैश अगर हम एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, ये क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन पर हो जाएगा, और लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें तो लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू की बात करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री, तो आ जाएगा आपका आंसर माइनस टू आ जाएगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी। लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो लोकल
मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू, ठीक है। तो ये जो टू है, ठीक है, ये टू आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस टू आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए, तो इसको देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एच डैश एक्स है हमारा वो जीरो हो जाएगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो इससे हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा पाई बाई 4, ठीक है, ठीक। तो x इज इक्वल टू पाई बाई 4 क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, तो एच डबल डैश एक्स ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इसमें रखेंगे तो एच डबल डैश पाई बाई 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। तो h डबल डैश पाई बाई 4, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट टू आ जाएगा, जो कि क्या है लेस देन जीरो है, ठीक है। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, हेंस x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू भी हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, लोकल मैक्सिमा मिलेगा। देखिए लोकल मैक्सिमा में बेसिकली कुछ होता नहीं है, देखिए लोकल मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल है, ठीक, पर्टिकुलर इंटरवल है, तो इसमें क्या हो सकता है कि ये जो हमारा इंटरवल होता है ये ओपन और क्लोज दोनों ही हो सकता है, ठीक, और उसमें जो आस पास के जो पॉइंट में जो सबसे ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर ज्यादा होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर कम होता है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम स्ट्रेट लाइन के का अगर फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन, अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर कोई फंक्शन अगर हमारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड करने के लिए हमेशा जो इंटरवल होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ही होना चाहिए। अब देखिए जहां पर जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है तो भाई जो आसपास के जो राइट साइड के जो पॉइंट है वो क्या होंगे, वो हमेशा गिवन वैल्यू से बड़े होंगे और जो लेफ्ट साइड के जो पॉइंट होंगे वो गिवन वैल्यू से छोटे होंगे, ठीक। तो यहां पर जो हमें पॉइंट मिलता है वो क्या होता है, वो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलिए या एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलिए, बट लोकल मैक्सिमा यहां पर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमा एट किस पर है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, ठीक। अब क्या करेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2, तो आंसर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। बस यही इसकी क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स
इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो यहां से कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वन, और इसे हम ये भी लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब देखिए टेन एक्स की वैल्यू कहां माइनस वन होती है, हम एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट हम अपना बना लेंगे। तो देखिए एड शुगर टू कॉफी, ठीक। तो यहां पर क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक, साइन पॉजिटिव होता है। तो ये तो बात यहां पर क्लियर हो गई कि टेन हमारा क्या हो जाएगा, टेन हमारा यहां नेगेटिव होगा, ठीक। और थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है तो थर्ड में जाएंगे नहीं, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है तो भी यहां पर भी हमारा टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं ये जो हमारा रीजन होता है ये जीरो टू पाई बाई टू और पाई बाई टू टू पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा पाई से थ्री पाई बाई टू, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा टू पाई। अब देखिए, ठीक है, तो देखिए टेन एक्स की वैल्यू माइनस वन, टेन एक्स की वैल्यू एक तो माइनस वन सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकती है, ठीक है। तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री पाई बाई फोर और सेवन पाई बाई फोर, ठीक है। अब इन दोनों में ही हमारा एक मैक्सिमा होगा और एक मिनिमा होगा, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, तो एफ डबल डैश एक्स हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो एफ डबल डैश थ्री पाई पाई फोर इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस साइन थ्री पाई बाई फोर प्लस कॉस थ्री पाई बाई फोर। तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन तो हमारा पॉजिटिव होता है बट माइनस साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी वन बाय रूट टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन रूट टू, और ये हमारा नेगेटिव होता है इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाय रूट टू, तो ये आपका आ जाएगा माइनस रूट टू जो कि कैसा है, लेस देन जीरो है, ठीक है। दैट मीन्स हम यहां से एक बात कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक। देखिए बेसिकली लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, मिनिमा और मैक्सिमा में हम कंपैरिजन हम तब कर सकते हैं कि एक तो हमने क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला और यहां पर आसपास के पॉइंट में, जैसे मान लीजिए कि हमने क्रिटिकल पॉइंट हमने निकाला सॉल्व करके, हमने यहां पर जैसे हमने 3 पाई बाई 4 ही हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो 3 पाई बाई 4 से जो जस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है, और जस्ट थोड़ा कम हो, ठीक है, जस्ट थोड़ा ज्यादा हो, जस्ट थोड़ा सा कम हो, मतलब बहुत कम डिफरेंस हो 3 पाई बाई 4 और उससे ज्यादा वैल्यू पर, तो उसके आसपास के पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट अगर हमारा मैक्सिमम होता है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है तो ये हम, यही हमारा मैक्सिमा भी हो जाएगा, यही हमारा लोकल मैक्सिमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से देख लेते हैं लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर पर ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे
तो फंक्शन पे 3 पाई बाई 4 हम रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4, ठीक है। तो देखो साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 बाई रूट 2। माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 हमारा नेगेटिव आएगा, बट यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव साइन यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है, 1 बाई रूट 2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 2, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 2 हो जाएगी। एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 पर हम चेक कर चुके हैं, अब हमको 7 पाई बाई 4 पर बताना है, ठीक है। तो देखिए एफ डबल डैश 7 पाई बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4, ठीक है। अब ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव साइन पहले से लगा हुआ है और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 2, और कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन रूट 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2, ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट 2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है। अब लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4, ठीक है, और लोकल मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में रख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, ठीक है। तो साइन 7 पाई बाई 4 ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। कॉस 7 पाई बाई 4 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बट नेगेटिव साइन पहले से, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई रूट 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2, ठीक है। तो लोकल मैक्सिमम एट 7 पाई बाई 4, लोकल मिनिमम किस पर है, 7 पाई बाई 4 पर है, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 2। और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे अब हम, तो देखिए यहां से हमारा f डैश x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ठीक है। अब f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक 1 और 3, ठीक है। तो अब किस पर हमारा फंक्शन मैक्सिमा है, किस पर हमारा मिनिमा है, तो इसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो f डबल डैश x हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6x माइनस 12, ठीक है। तो 6x माइनस 12 आया है, ठीक। अब देखिए हम f डैश 1 पर चेक कर लेते हैं, f डबल डैश 1 पर चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 12,
ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स जो कि लेस देन जीरो है। ठीक है, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वन इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मैक्सिमा बोले या मैक्सिमा बोले, अगर क्रिटिकल पॉइंट एक ही आ रहा है तो बात एक ही है। देखिए लोकल मैक्सिमा वो होता है जो अपने आसपास के पॉइंट्स में मैक्सिमम होता है, वही हमारा लोकल मैक्सिमा होता है। लेकिन यहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो बात, तो चाहे हम इसे लोकल मैक्सिमम बोले, चाहे हम मैक्सिमा बोले, चाहे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोले, सब एक ही बात है। ठीक है, तो वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा। ठीक, तो हमारा फंक्शन क्या है, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू वन। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी देखिए वन माइनस सिक्स प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। ठीक, तो 19 हमारा एक आंसर है। ठीक, और अब हम किसके लिए चेक करेंगे, अब हम मिनिमा के लिए चेक करेंगे, मैक्सिमा के लिए तो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, तो देखिए एफ डबल डैश 3 पर हम चेक करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा था, 6x माइनस 12 आ रहा था, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6, जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, ठीक, अब हम क्या कह सकते हैं, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 3। अब लोकल मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे, वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 54, और ये हमारा हो जाएगा 54, तो सब कुछ कट जाएगा और इस लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। सिक्स्थ पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए ये जो फंक्शन है हमारा gx है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, g डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और ये माइनस 2 अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लिमिटेशन है कि x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो देखते हैं, तो ये 0 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन यहां पर हम केवल x इज इक्वल टू 2 ही हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक लिमिटेशन हमें दे रखी है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन माइनस 2 अगर हम लेते हैं तो माइनस 2 0 से छोटा है तो उसे हम नहीं कंसीडर कर सकते, तो हमें बस खाली x इज इक्वल टू 2 पर ही चेक करना होगा। तो देखिए g डबल डैश x इसको हम लोग निकालते हैं, तो ये देखिए ये तो हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा, आप इसे डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो 4 अपॉन एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब g डबल डैश 2 पर हम चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन और ये क्या हो जाएगा 2 क्यूब। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 0। ठीक है,
तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा बोलिए या मिनिमा बोलिए, इस केस में बात एक ही है। ठीक है, तो लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक, लोकल मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/2 + 2/2, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, जो कि हमारा आंसर है। 7 पार्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए, अब ये हमारा हो जाएगा जी डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/(x²+2)2। ठीक है, और x²+2 का भी डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -2x/(x²+2)2। ठीक है, अब देखिए जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो देखते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0, दैट मींस -2x/(x²+2)2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए -2/(x²+2)2, ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0 के साथ जाकर के खत्म हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसके लिए इस बार हम लोग करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देखिए जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसमें बताता हूं क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देखिए हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए हमारा 0 ये पॉइंट है, अगर हम 0 से ज्यादा थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू और 0 से थोड़ी सी कम वैल्यू रख करके हम चेक कर लेंगे, अगर हम x की वैल्यू हम 1 डाल करके देखते हैं तो उसका जो भी साइन आता है g डैश x का उसका हम साइन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक, ये वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि माइनस साइन पहले से लगा हुआ है और होल स्क्वायर के अंदर हम कितना भी पॉजिटिव टर्म रख ले, कितना भी नेगेटिव टर्म रख ले, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारा नेगेटिव आना केवल -2 पर ही डिपेंड करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम नेगेटिव वैल्यू डाल के देख ले, दैट मीन्स अगर हम -1 रख करके देख लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हमारा जा रहा होता है, साइन अगर हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव अगर जा रहा होता है तो वो हमारा पॉइंट, जो क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकालते हैं वो हमारा पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव अगर हमारा साइन मूव कर रहा होता है तो वो हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। ठीक है, तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोकल, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तो देखिए एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी, यही हमारा आंसर है। 8th पार्ट को सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए एफ डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पहले अब ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला प्रोसेस लगेगा, तो एक्स इंटू dy/dx हम करेंगे √1 - x का प्लस √1 - x into d/dx ऑफ x।
ठीक है, तो यहां से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा x इन टू, और देखिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय टू अंडर रूट, ठीक है, 1 बाय टू 1 माइनस एक्स की पावर 1 बाय टू माइनस 1 इन टू माइनस 1, ठीक है भाई, माइनस 1 1 माइनस एक्स का भी हम डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 आएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये f डैश एक्स इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा x अपॉन माइनस x अपॉन टू रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारा f डैश एक्स किस इज इक्वल टू जीरो होगा फॉर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमम, ठीक है, ठीक। तो देखिए अब देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहां से अंडर रूट वन माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा भाई, ये वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स हो जाएगा, वन माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय टू, ठीक है। तो ये वन इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री बाय टू एक्स, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2 बाय थ्री। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 बाय थ्री, ये तो हमारा हो गया क्या क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लगाएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, टेस्ट। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 बाय थ्री हमारा आ चुका है, ठीक। अब देखिए एक वैल्यू हम 2 बाय थ्री से हम छोटी रख करके देखेंगे, एक वैल्यू 2 बाई थ्री से हम बड़ी रख करके देखेंगे। तो 2 बाई थ्री से छोटा क्या है, जीरो। तो जीरो रख करके हम चेक कर लेते, तो देखिए जीरो जब रखेंगे तो ये तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। अंडर रूट वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन। अंडर रूट वन कितना आएगा, वन, क्या है पॉजिटिव है, तो यहां पर साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यहां पर 2 बाई थ्री के बाद हम देखेंगे, तो चलो वन रख करके देख लेते हैं। वन रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि यहां पर टर्म हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। और वैल्यू हम वन से बड़ी भी नहीं रख सकते, वन से बड़ी हम इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर वन से बड़ी रखेंगे तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हमारा नंबर इमेजिनरी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू हमें वन से हमें छोटी ही हम ले सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू पॉइंट नाइन पर चेक कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नाइन पर चेक कर लेते हो तो दोस्तों ये तो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये जो टर्म है हमारा दोस्तों, ये जो टर्म है अगर हम पॉइंट नाइन रखेंगे तो ये पूरा का पूरा नेगेटिव टर्म है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगा और नेगेटिव, ठीक। और ये पॉजिटिव टर्म कम है और नेगेटिव टर्म की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और तो हमारा ये आ जाएगा नेगेटिव, और साइन अगर पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हमारा जाता है तो जो पॉइंट हमें मिलता है वो क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू टू बाई थ्री इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखिए वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2 बाई थ्री रखेंगे तो 2 बाई थ्री इंटू अंडर रूट 1 माइनस 2 बाई थ्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है।
तो देखिए ये हमारा है 2 बाई 3 इंटू 1 बाई रूट 3, ठीक है, और इस पर हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 3 अपॉन रूट 3, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन, और ये आ जाएगा 9। बस दोस्तों यही हमारा आंसर है।